ये है टोयोटा की रूमियन। तो बेसिकली ये टोयोटा की सबसे अफोर्डेबल एमपीवी और बेसिकली अर्टिगा का भाई। दिस इज ऑब्वियसली बैज इंजीनियर्ड कार, तो बेसिकली अर्टिगा है एंड सोल्ड विद अ टोयोटा बैज। बट रूमियन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे इस वीडियो में एंड व्हाई यू शुड बाय इट। एंड ये है टोयोटा की एंट्री लेवल एमपीवी। एंड अगर प्राइस के बारे में बात करूँगा, लगभग 10 लाख से स्टार्ट है एंड टॉप एंड इज़ नियर 14 लाख रुपीज़। पेट्रोल में मिलता है, सीएनजी में भी मिलता है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों में ही आपको मिलता है। पहली बात, रूमियन इज़ ऑब्वियसली आइडेंटिकल टू द अर्टिगा, मगर यहाँ पे थोड़े डिज़ाइन चेंजेस है जो टोयोटा ने किया है। सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज है फ्रंट एंड में, देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक जो क्रोम ग्रिल मिलता है सिमिलर टू द इनोवा क्रिस्टा, थोड़ा अलग दिखता है एंड मेक्स इट डिफरेंट लुकिंग फ्रॉम द अर्टिगा व्हेन यू सी इट ऑन द रोड। यहाँ पे फॉग लैम्प का ये डिज़ाइन वो भी नया है। यू गेट दिस थिक क्रोम जो आउटकेस बेसिकली ग्रिल का जो आउटलाइन है दैट ऑल्सो इज़ डिफरेंट, बम्पर डिफरेंट है, तो फ्रंट एंड का एक लुक है दैट इज़ डिफरेंट और उसकी वजह से एक अलग आइडेंटिटी मिलता है रूमियन को एंड मेक्स इट सिमिलर टू द बेसिकली द इनोवा क्रिस्टा। तो टोयोटा का लीनेज का एक सिमिलैरिटी है विच इज़ क्वाइट नाइस। साइड में भी आपको डुअल टोन नए एलॉय व्हील्स मिलता है, दिस इज़ द वे द कार लुक्स। एल्सवेयर और कुछ चेंज आपको मिलता है नहीं, साइड एंड रियर इज बेसिकली द सेम द रूमियन बैज, बट अदर दैट इट्स स्टिल द अर्टिगा। तो स्टाइलिंग में ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। सर एक और बात, अब हम बात करते हैं कि इंटीरियर में आपको क्या मिलता है। मैं बैठा हूँ इंटीरियर में ऑफ द रूमियन, बेसिकली सेम एज द अर्टिगा, सो नॉट मच टू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसेस अदर देन द न्यू टोयोटा लोगो हेयर। ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये स्टीयरिंग व्हील, आपको एक पैटर्न अच्छा मिलता है विच इज़ सॉर्ट ऑफ नाइस, है कि लाइट एयरी फील है कैबिन में। ये है टच स्क्रीन, आपको रियर कैमरा भी दिखा दो, दिस इज़ द रियर कैमरा, प्रीटी डिसेंट डिस्प्ले। टच स्क्रीन इज अ बिट स्मॉल बट अगेन इट वर्क्स, टिपिकल जो टच स्क्रीन आपको मिलता है। यू गेट कूल्ड कप होल्डर्स, क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है विच इज़ अ नाइस टच, इट्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ फीचर्स। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो में कैसा है। मैं बैठा हूँ सेकेंड रो में एंड इट इज़ प्रीटी स्पेशियस, ऑब्वियसली इज थ्री रो, इट्स अ बिग स्पेशियस कार और यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे आप कंट्रोल्स भी आपको मिलता है, सो इट्स प्रीटी प्रैक्टिकल एज वेल। स्पेस के बारे में बात करूँ, सीट मेरे हाइट पर एडजस्ट, देख सकते कितना अच्छा आपको स्टबी स्पेस मिल रहा है। स्पीटी वाइड, विंडो एरिया काफ़ी बड़ा है, थ्री कैन ईजिली सिट एंड स्पीटी स्पेशियस, काफ़ी फ्लैट है, इतना बड़ा सेंट्रल टर्न आपको नहीं मिलता विच इज़ अ नाइस टच। तो यस, द सेकेंड रो इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल एंड थ्री कैन ईजिली सिट। ये थर्ड रो, एक्सेस इज प्रिटी ईजी और यहाँ पे हेडरूम एंड लेगरूम इज प्रिटी डिसेंट, ऑब्वियसली इज नॉट दैट बिग ऑफ अ कार बट यहाँ पे फॉर शॉर्ट जर्नीज के लिए आई थिंक एडल्ट्स कैन फिट, सो इट्स प्रिटी डिसेंट थर्ड रो। अगर इंजन के बारे में बताऊँ, यहाँ पे 1.5 का पेट्रोल है, सीएनजी में ही मिलता है। 1.5 पेट्रोल काफ़ी ट्रैक्टेबल है, तो एवरीडे यूज़ के लिए काफ़ी स्मूथ लीनियर है, लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा है, इवन विद पैसेंजर इट्स क्वाइट कम्फर्टेबल। ऐसे नहीं लगता कि पावर कम है, ऑब्वियसली हाईवेज में आपको थोड़ा और पावर की ज़रूरत लगती है बट स्टिल इट्स क्वाइट गुड। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक भी मिलता है एंड एफिशिएंसी में लगभग मुझे 15-16 मिल रहा है विच इज़ वेरी गुड इंडीड। तो ओवरऑल 10-14 लैक्स इज मोर ऑफ अ कम्फर्टेबल, प्रैक्टिकल एंड एन अफोर्डेबल फैमिली कार। और अगर आप रूमियन देख रहे हैं, रीजन टू बाय ऑल्सो ओवर द अर्टिगा कुड बी द वेटिंग लिस्ट क्यों कम है इसमें एंड ऑब्वियसली द लॉन्गर वारंटी एज वेल। तो देयर यू गो, दिस इज द रूमियन, द मोस्ट अफोर्डेबल टोयोटा एमपीवी।